हाँ जी, अब देखें आवाज भी क्लियर है और आपको ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। सब कंफर्म करें फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जी ठीक हो गया जी। हमने ये 60th क्वेश्चन कर लिया था, ये कार वाला, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो है ना ये क्वेश्चन 62 जो है ना ये मैथ का है। 62 क्वेश्चन क्या है? इफ एन इज ए नेचुरल नंबर देन एन की पावर 2n-4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अगर एन हमारे पास नेचुरल नंबर हो तो ये जो 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 ये जो जो ये एक्सप्रेशन है इसका जो आंसर होगा ये ऑलवेज डिविजिबल होगा। किसके ऊपर? 5 के ऊपर होगा, 13 के ऊपर, बोथ एंड बी किसके ऊपर? देखते हैं जी, करके देखते हैं। 9 की पावर 2n और 4 की पावर 2n। तो 9 की पावर बात हो रही है किसकी? 9 की पावर 2n की और उसकी। सबसे पहले मुझे बताएं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, बताएं जरा मुझे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सेट और बताएं ये मुझे, अनलिमिटेड। मुझे थोड़ा आइडिया हो ना जी। बाकी शेख साहब के अलावा कबीर खान और, ठीक है जी, आप सबको पता ही है कि 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? हमारे पास एक्सप्रेशन ये है एन की पावर 2n-4 की पावर 2n, यही है ना। एन की 9 की पावर 2n और 4 की पावर 2n, ये माइनस हो रहा है। और बताया है कि एन नेचुरल नंबर है, अगर एन नेचुरल है तो एन क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर एन इज इक्वल टू 1 हो तो फिर क्या होगा? अगर 1 होगा तो ये क्या होगा? एन की पावर 2n यानी कि 2। एन की पावर 2-4 की पावर 2 हो जाएगा। 9 9 की पावर 2 क्या होता है? 81। 81-16, 81-16 कितना होता है? 71। 71 में से 6 गया, 71 में से 6 गया 65, तो 65 बना। ठीक है जी, एन की वैल्यू ऊपर पुट करें 2, तो क्या हो जाएगा? एन की पावर 4-4 की पावर 4। ठीक है, एन की पावर 4 क्या होगी? एन की पावर 2 तो हमें पता है कि 81 होती है, तो 81 को 81 से मल्टीप्लाई करें। 81 मल्टीप्लाई बाई 81, 1 1 1, 8 1 8, 8 1 8 और 8 8 64। ठीक हो गया, 1 8 8 8 16, 1 11 4 1 5 और 1 6, 6561। 6561 इसी तरह 4 की पावर 4 क्या होगी? 4 की पावर 2 अगर 64 होती है तो 4 की पावर 4 का मतलब है 64 मल्टीप्लाई बाई 64 करेंगे। 4 4 16, 6 1 11 6 4 24 और 1 25। ठीक है, 6 ये भी इसी तरह 6 4 24, 6 4 24, 2 11 6 6 36 और 2 38, 6 5 और 4 9, 8 और 2 10, 1 3 और 1 4। इसमें से ये माइनस करें जी, 6661 में से किसको माइनस करना है? 4096 को, 4096 को माइनस करें। 5 बचा, यहाँ पे 5 बचा तो 15, 15 में से 9 गया, 6 बचा, यहाँ पे 4 बचा होगा, 4 का 4 आ गया यहाँ पे, 2 2 4 6 5। अब पहला नंबर मेरे पास आया 65 और दूसरा आया ये, तो ये आप इसको देखें। अब उसमें ये था कि डिविजिबल क्या है, क्या 5 पर डिविजिबल है? वो तो जाहिर है, अगर आपका फर्स्ट डिजिट में 0 या 5 हो तो 5 पर डिविजिबल होता है, तो इसमें 5 है तो ये डिविजिबल है, ये 5 पर डिविजिबल है। अब दूसरा था 13 पे है, तो 13 पे क्या डिविजिबल है चेक करें, तो 13 5 65 होता है तो 13 पे डिविजिबल। इसको जरा करें, जो इसको क्या 13 पे डिविजिबल है, 13 पे डिवाइड करें, 13 के 13 कितना बचा ऊपर? 7 और 4 कितना होता है? 7 11, 116, 116, 116 पे जरा 13 वाला टेबल लेके जाएं, तो 13 9 कितना होता है? 13 9 होता है 9 3 27, 7 2 11 9 1 9 9 2 11, 117। तो ये नहीं होगा, 8 वाला लेके जाएं, 8 3 24, 4 2 11 8 1 8 और 8 और 2 10, 104। ठीक है, तो 8 दफा जाएगा ये, पहले 1 फिर 8 दफा गया। अब 8 दफा जाएगा तो 104 बनता है, और यहाँ पे बनता कितना है? 116, 116 है ना, तो 116 में से 104 गया, कितना बचता है पीछे? 1 12, 12 यहाँ पे रखें, 125। ठीक है, इस पे लेके जाएं। अब आप खुद देखें कि इसको आप डिवाइड करके, वैसे भी देख लें, वैसे भी कर सकते हैं, 24 65 पे क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? तो जो 24 65 है ना, 24 65 क्या है, 24 65 13 पे डिवाइड करें तो 13 का टेबल पूरा पूरा नहीं जाता, 125 बनता है तो 125 पे नहीं जाता, तो 13 पे डिविजिबल नहीं है, 5 पे डिविजिबल है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा?
इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन हमारा जो डिविजिबल होगा वो 5 वाला होगा। 13 पर डिविजिबल 65 तो हो जाता है लेकिन दूसरा नंबर नहीं होता। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? सिंपल है, बस इसमें थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल करना है, थोड़ा इसको देखना है। सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? चैट में मुझे बताएं। सिंपल क्वेश्चन है बस, इसमें कोई वो लंबी चौड़ी कोई कहानी है नहीं। सारे मुझे चैट में बताना है, रिस्पॉन्ड करना है, ताकि मुझे पता चले कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। हाँ जी, बाकी बताएं, सन्ना और सारा के अलावा काइंडली पार्टिसिपेट करें और इसमें मुझे बताएं, ताकि मुझे क्लियर हो कि चीजें आपको क्लियर हो गई, फिर मैं आगे चलूं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। इसके बाद देखें मैथ का और कौन सा सवाल है, इस पेज पे नहीं है, इस पे देखते हैं। जी, अब ये एक और आ गया, 78 क्वेश्चन। 78 जरा देखें, 78 क्वेश्चन देखें। एवरेज वेट ऑफ 10% इंक्रीज बाय 1.5 kg व्हेन 1% ऑफ 45 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन, द नेट द वेट ऑफ द न्यू मैन इज। जी ठीक है, अब इस तरह का सवाल हमने किया हुआ है, सवाल ये एवरेज का सवाल है, क्योंकि बताया कि 10 लोगों का जो वेट है ना, वो एक एवरेज वेट उनका कोई भी होगा, वो 1.5 बढ़ जाता है अगर एक शख्स 15 kg जो है ना, 45 kg की जगह एक और शख्स आ जाता है। तो पूछा है जो और शख्स आ जाता है उसका वेट क्या है। ठीक है, तो लाजमी बात है उसका वेट 45 से ज्यादा होगा, तभी सारों का वेट 1.5 बढ़ गया ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन की आपको समझ में आई है नहीं समझ भाई, पहले बताएं मुझे, फिर हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ हाँ गया? सर साहब, ये जो सवाल है ना रिप्लेसमेंट गैस वाला, ये जिस इसमें जो ठीक हम हो गया, एवरेज वाला फार्मूला अभी जरा लगाते इसको हैं ना जी, देखें। उसमें अब आप ये देखें कि आपके पास कितने लोग हैं जी, आपके पास हैं 10 लोग, और जब एक एक शख्स नया आया, 45 की जगह आया, 45 की जगह पे आया, तो सारों का जो एवरेज वेट है ना वो 1.5 बढ़ गया है। अगर एवरेज 1.5 बढ़ा है, तो अगर वो 10 लोगों का एवरेज बढ़ा है ना, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल वेट कितना बढ़ा है। देखें आप मिसाल के तौर पे एक चीज है, यहाँ पे 5, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 5, यहाँ पे एक और नंबर आ जाता है जिससे सारों की जो एवरेज है ना वो हो जाती है 6। तो कितनी है? मतलब 6 सारों की अगर हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल वेट कितना बड़ा होगा। ओवरऑल मतलब है कि 1 इसका बड़ा होगा, इसका बड़ा होगा, बड़ा 1 इसका बड़ा होगा, 1 इसका बड़ा होगा, यानी कि एक को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितने लोग हैं, तो वो टोटल इंक्रीज वेट होगा। इसी तरह जब 1.5 बढ़ा है तो 10 लोगों का बढ़ा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि टोटल वेट में इंक्रीज कितनी है। ये उसको जरा करें, इसको करें सिंप्लीफाई, तो ये हो जाते हैं 15 kg। अब 15 kg टोटल नेट में वेट बढ़ा है, और उसने बताया कि 45 kg वाला बंदा उसकी जगह पे आया है। अगर 15 वेट बढ़ा है और 45 वाले बंदा की जगह पे आया है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका वेट 60 होगा। पहले तो वो 45 वाली की जगह पे आएगा, फिर 15 और करेगा ताकि एवरेज उनकी 1.5 हो जाए, तो उसका वेट जो है ना 60 होगा। बताएं जी, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है? सारे मुझे बताएं चैट में जी। ये शेख साहब ने सोल्यूशन भी इसका भेजा हुआ है, ठीक हो गया। बाकी बताएं जी, बाकी जो इसमें है, शेख साहब को तो आते होंगे, बाकी देखें इनकी तो 3-4 साल की स्ट्रगल है, इनको तो लाजमी बात है उन्होंने की है काफी सारे सवाल। बाकी बताएं जो नए लोग हैं, ठीक हो गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक हो, हमारे एक क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, और देखते हैं इस पेपर में कौन सा, और जी इस पेपर में कोई मैथ का सवाल नहीं है, यही मैथ के सवाल थे। तो कौन कितने सवाल थे अगर आप इनको काउंट करें, एक हमने अभी किया ये वाला वेट वाला, एक ये हो गया, एक वो डिविजिबल वाला हो गया, 2 हो गए, और इससे पहले ये एवरेज वाला 3 हो गए, और उसके बाद आगे चले जाएं ये एंगल्स वाला 4 हो गए, ये मेन वाला 5 हो गए, और उसके बाद जनाब आगे चले जाएं, 5 के बाद ये जो किलोमीटर वाला है 6, ठीक हो गया, और ये जो स्क्वायर वाला है 7,
और एक ऊपर जो 12% वाला ये 8। तो मैं आपको पहले दिन से ही बता रहा था कि पीपीएससी का वन पेपर जनरल में 8 नंबर की मैथ आती है, पहले दिन से आपको बताइए। आपने काउंट करके देख लिया 8 है या नहीं है, बताएं जी चैट में, ये बात आपको क्लियर हो गई है? पहले दिन लेक्चर में ये बात बताई थी कि मैथ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैथ की इंपॉर्टेंस, 100 में से अगर 8 नंबर आपके मैथ के आते हैं, इसका मतलब 8% अगर आप मैथ कर लेते हैं तो आप 8% ऑफ वो अचीव कर लेते हैं। समझ में आ गई बात ना? हाँ जी, ठीक हो गया, हम नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। नेक्स्ट पेपर क्या है जी, पहले पेपर देख लेते हैं। ये पेपर जनाब 2023 का पेपर है, और ये अब आजकल पेपर की क्लबिंग होती है और डिफरेंट किस्म की सीट्स पे पेपर जो है ना एक ही होता है। अभी असिस्टेंट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और बहुत से डिपार्टमेंट असिस्टेंट की जितनी भी सीट थी, कोई कितने केस नंबर थे, कोई 10 12 डिफरेंट किस्म के केसेस थे, उन सारों का एक ही पेपर हुआ है। और ये असिस्टेंट हुआ है 2023 में 12/2, यानी कि 12 फरवरी को हुआ है 2023 में। इस पेपर को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब खुद देखिए, जो 13 पोस्टों के लिए पेपर हो रहा है वो सबसे अहम पेपर होगा ना, देखते हैं जी। अच्छा जी, शुरू से देखा कि मैथ कहाँ पे है, मैथ कहाँ पे है, मैथ कहाँ पे है। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल कहाँ पे आया जी, 16 नंबर क्वेश्चन देखें, सबको नजर आ गया 16 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स? हाँ जी, सब लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे सारे पहुंच गए हैं। आप यहां से अगर आपको क्लियर नहीं, तो आप अपने पास ना मोबाइल में उसको ओपन कर लें, वहां पे देख सकते हैं। मुझे चैट में बता दें कि सब 16 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, मुझे काइंडली चैट में बताया करें। अब मुझे नहीं समझ आ रही आपको वहां पर हैं या नहीं है, चैट में कह दें ओके सर पहुंच गए, तो फिर मैं तो आगे बढ़ूं, क्लियर ना हो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लें और आपको भी क्वेश्चन ना मिल रहा हो। ठीक हो गया, गुड हो गया। अब सवाल क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर? अब आपको बताया था कि एक प्राइम नंबर होता है, और एक प्राइम नंबर का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिस पे 1 का टेबल जाता है या उसका अपना टेबल जाता है, इसके अलावा कोई टेबल नहीं जाता। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर उनको कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या है आप सबको पता है, 1 ना प्राइम है और ना कंपोजिट है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम है। इसके अलावा जो बच गया वो क्या है, वो कंपोजिट है। 1 तो ना, याद रखिएगा, 1 ना प्राइम है और ना कंपोजिट है, 1 नहीं है, 1 शामिल नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, तो इसका मतलब 4 होगा, 5, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और 12 होगा। उसने क्या कहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर, 1 2 3 4 और 5, इसकी जरूरत नहीं है, इन्हीं से काम चल जाएगा। 10 और 9 इनका सम उसने पूछा, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37, तो 37 जनाब इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया सबको, इसका ऑप्शन देख लें कौन सा दुरुस्त है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। सबको ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है, बेसिक जिसको पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है तो वो इसको कर सकते हैं। सबको क्लियर हो गया, मुझे चैट में बता दे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ जी। आवाज नहीं आ रही मैडम, ये सहरा का ना कोई इशू है लगता है, मुझे लगता है इसका ना नेटवर्क का इशू है, इस वजह से इसको अक्सर इशू आता है। तो मेरे ख्याल में बाकी सबको आ रही है ना क्लियर आवाज, ठीक हो गया। सहरा आपका ना नेटवर्क का कोई इशू होगा, इसको जरा आप देखें, और ठीक हो गया जी, जजाकला। अब देखना ये बिल्कुल इजी सवाल आ गया। तो मैथ में जो 8 सवाल होते हैं, ये अभी अपने जहन में बिठा लें, 8 जो सवाल आपके मैथ में आते हैं, इसमें से जो 4 5 या 5 इवन के 6 सवाल बिल्कुल बच्चों वाले होते हैं, एक दो सवाल टिक्की होते हैं, उनको आप छोड़ दें, उनको सारा पेपर कर लें, एंड पे उनके साथ आप टकरे मारें, उनके साथ टकरे मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, ज्यादातर चांसेस हो जाएंगे। और अगर नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं, अगर आपने 8 में से 5 6 दुरुस्त कर लिए तो बहुत अच्छा, आप आगे चले गए। और जो मुश्किल सवाल होगा वो किसी से भी नहीं होता, ठीक है? अक्सर मैं ये चीज दोस्तों को कहा कहता था, वो कहते थे कि यार वो सवाल मुझसे नहीं हुआ, ये सवाल, तो मैं कहता था ये सवाल अगर आपको नहीं आ रहा ना, तो 3 4 लाइनों का बड़ा ट्रिकी सवाल है, वो किसी को भी नहीं आएगा। और पूरे पंजाब में जो लोग बैठे हैं आपके मुकाबले में, वो आप जैसे ही हैं, कोई अफलातून नहीं है यहाँ पे। ये सारे पेपर के बाहर निकल के कह रहे होते हैं कि मेरिट 90 होगा, मेरिट 95 होगा, मेरिट 100 में से 200 का होगा, ऐसे कभी भी नहीं होता।
बातें करने में और ऑन ग्राउंड परफॉर्म करने में बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। मैं भी पेपर दे के आता था तो सारे यही कहते थे, लेक्चरशिप का मुझे याद है, पेपर दिया बाहर आया कितना मेरिट हो, मेरिट 90 नंबर का होगा। तो मैंने कहा जिसने मुझे कहा, मैंने कहा जिसने पेपर बनाया उसके भी इसमें 90 नंबर नहीं आएंगे, तो क्या मेरिट 90। तो हाँ मेरिट हाई था, 68 का था, लेकिन 90 का तो नहीं था ना ऑब्वियसली। तो कोई मसला नहीं, बाकी आप इसमें कर लेंगे, आगे चलते हैं जी। आगे जी कहाँ पे है, कहाँ पे है क्वेश्चन, हम जरा ढूंढ रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं 48 पे, 48 क्वेश्चन पे सारे पहुंच गए हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ गया, ये लैडर का मैंने आपको बताया था कि लैडर वाले सवाल किस तरीके से आएंगे और इसे कैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल करनी है। 48 क्वेश्चन पे सारे पहुंच गए, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सारे पहुंच गए क्वेश्चन 48 पे, मुझे कंफर्म करें फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं। गुड हो गया, देखें जी 48 क्वेश्चन देखें। ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। एक लैडर है जो एक दीवार के साथ लगी हुई, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, सीढ़ी एक दीवार 15 मीटर की एक सीढ़ी है और एक ना वो दीवार के साथ लगी हुई है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, अगर वो वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, देन द लेंथ ऑफ द वॉल इज, तो वॉल की लेंथ मालूम करें। ठीक हो गया जी, कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है। देखें जी आप कुछ ने कहा, जब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, जब आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया मसला ही नहीं है। उसने आपको कहा है एक एक है लैडर, लैडर ऐसे लगी होती है ना, ऐसे दीवार होती है, ठीक है, ये एक दीवार है, ये दीवार के साथ ऐसे लैडर लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई, और उसने बताया ये 15 मीटर की है, और फिर आपको बताया लाजमी बात है ये जो दीवार है वो जमीन के साथ होगी, यहाँ जमीन होगी। उसने बताया ये जो एंगल बना रही है इस, ये जो लैडर उसके साथ दीवार के साथ एंगल बना रही है, ये है जनाब 60 डिग्री, ठीक है, और उसने आपको क्या कहा है, और कुछ बताया आपको स्टेटमेंट में उसने, और आपको क्या है कि एक एंगल बना रही है, हाँ बस उसने कहा है कि आप क्या करें लेंथ ऑफ द वॉल मालूम करें, वॉल की लेंथ मालूम करें, वॉल की लेंथ का मतलब है ये वाली मालूम करें, ये मालूम करें। अब आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है जिसमें आपको दो चीजें अननोन हो और वो दो नोन हो, एक एक आपको अननोन हो बाकी दो नोन हो। आप देखें कि आप साइन लगाएंगे, साइन क्या होता है अमूद बटा वतर, अमूद आप ये लगाएंगे वतर ये लगाएंगे, हाँ लगा सकते हैं, काज लगा सकते हैं, कायदे बट वतर, कायदा तो पता नहीं है, कायदे बट वतर तो ये इसका कोई फायदा नहीं, निकाल भी ले तो हमें तो ये निकालना ही नहीं है। टेन लगा सकते हैं, अमूद बटा कायदा, कायदा वैसे पता नहीं, इसमें आपको देख लें इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइन, साइन क्या है, साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, जरा देखना एक मिनट इसको, जरा क्या इसको दोबारा से देखें, इसको समझे जरा क्वेश्चन को। द लैडर ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल पे जाती है, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, देन लेंथ ऑफ द वॉल, लेंथ ऑफ द वॉल आपने मालूम करनी है, लेंथ ऑफ द वॉल भी यही आपने मालूम करनी है, ये वाली लेंथ है वॉल की, ये तो दीवार है, ये तो वो है जमीन है, तो आपको देख लें इसमें बनेगा जनाब साइन 60, अमूद बट वतर, अमूद ये है और वतर ये है, तो साइन 60 इज इक्वल टू अमूद बट वतर, अमूद बट अमूद कितना है एक्स और वतर कितना है 15, तो आपने एक्स मालूम करना है, एस एक्स इज इक्वल टू साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 15, साइन 60 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यही तो आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैंने आपको टेबल की ट्रिक बताई थी और वो टेबल आपको बनाना आना चाहिए, अगर आपको टेबल बनाना नहीं आएगा तो आप ये कर नहीं सकेंगे। तो वो टेबल क्या था, वो टेबल ये था, आप यहाँ पे साइन लिखे हैं, यहाँ पे कॉस लिखे हैं, यहाँ पे टेन लिखे, ठीक है, इस वजह से टेबल आपको बताया था, यहाँ पे 30, यहाँ पे 0 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1/2 थी, यहाँ पे 1/√2 थी, यहाँ पे √3 थी, ठीक है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे 1/√2 था, यहाँ पे 1/2 था, यहाँ 0 था। अब साइन 60 क्या है, नाम ये देखिए साइन 60 क्या है, √3, अब √3 यहाँ पे आएगा और √3 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15√√3। हाँ जी, जिसने टेबल याद किया हुआ है या वो ट्रिक आपको बताई थी उस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, तो 15√3 आपका आंसर आ गया। बताएं जी समझ में आई या नहीं समझ में आई, सारे मुझे चैट में बताएं, अंडर रूट ऑफ 3/2,
जी इसके, हाँ जी स्केयर रूट यही होगा बिल्कुल, ये टेबल में ये टेबल आप बना लें, स्केयर रूट ऑफ 3 है और 2 होगा नीचे, बिल्कुल यहाँ पे 2 होगा ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू आप टेबल में से निकाल लें अगर आपको याद है उस तरीके से, तो आप इसको इस्तेमाल करें और उसमें पुट कर दें, बस बात खत्म ठीक है। तो स्केयर ऑफ 2 आता है वो लगा लें। हाँ जी क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, सब बताएं मुझे चैट में। सबको क्लियर हो गया, तो मतलब ये वही ट्रिग्नोमेट्री है, टेबल आपने देखा, टेबल की जो वैल्यू उसमें पुट कर दी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे ए की जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ये आपसे पूछा हुआ है सवाल, जरा देखते हैं जी। एक्स प्लस 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर, देखें जी जरा इसको लिखें ना आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसको लिखें एक्स प्लस क्या है आगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर, यही स्टेटमेंट है ना, यही आपको कहा है कि जनाब ये एक्स एक्स प्लस 1/4 है, 1/4 एक्स अंडर रूट और ए स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 है, और उसने बताया कि कौन सी वैल्यू आप पुट करें कि आप ये फुल स्क्वायर रूट हो जाए ठीक है। तो इसका अगर मैं ये करूं, अब आप खुद देखें ना, मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, मुझे अब नहीं पता इसकी वैल्यू का, स्क्वायर रूट का मुझे वैल्यू का नहीं पता, मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्स को क्या ऐसे लिख सकता हूं, आप क्या कहते हैं, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कोई एतराज होगा इसको लिखने में, बताएं जी आपको कोई एतराज होगा, अगर मैं एक्स को इस तरह लिख दूं कोई एतराज होगा आपको, बताएं चैट में मुझे। जी चैट में बताएं मुझे, नहीं होगा एतराज, क्यों नहीं होगा, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है आप सबको पता ही है कि स्केयर रूट और ये आपस में कैंसर हो जाते हैं ठीक है। तो इसके स्केयर रूट वैसे 1/2 होता है, 1/2 ये तो खत्म है, तो ये आप स्केयर रूट, तो वही वही चीज बन जाएगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो कोई मसला नहीं है। आगे क्या है जनाब, आगे यहाँ पे क्या है ए स्केयर ठीक है, ये अब ए को मैं ए स्केयर को मैं ए स्केयर ऐसे लिख सकता हूँ ठीक हो गया जी। अब जरा देखें मैं इसको ये अगर इसको मैं करूं, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये ए स्केयर है, ये बी स्केयर है, आपको पता है ना ए अगर इसको परफेक्ट स्केयर में लिखना है तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी का होल स्केयर, इसको मैं तब लिख सकता हूं जब ये चीज किसके इक्वल हो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब क्या है, अब ए स्केयर तो मेरा बन गया, बी स्केयर मेरा बन गया प्लस 2ab, 2ab के लिए क्या चाहिए मुझे, 2 के लिए 2 होगा फिर ए आएगा और फिर 2a और b, 2a और b ठीक है, तो 2ab मैंने करना है ना ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, 2ab करना है तो इसका मतलब ये है, आपको देखें आप इसको, मैं इसको अगर 2ab करूं तो क्या होगा, इसको मैं किसके साथ मैनिपुलेट करूंगा, मैं इसको लिखूंगा अगर मैं स्केयर रूट ऑफ ऐसे मैं लिखना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे इसको स्केयर बनाना है। अब इसमें किस चीज की कमी है, ये तो ठीक है एक्स स्केयर है प्लस बी स्केयर है, प्लस 2ab होना चाहिए, 2ae आपका क्या स्केयर रूट है और ये ए है, यहाँ पे एक्स है, ये होना चाहिए मेरे पास, ये है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, 2 नहीं है ना ठीक है, मैंने इसको ये बनाना है, तो इसको मैं बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको बनाने के लिए अगर मैं इसको 1/8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जी ये चीज बन जाती है सेम 1/4 एंड स्केयर रूट ऑफ एक्स बन जाता है ना, तो ये इस चीज की कमी है, तो इस चीज को अगर मैं पुट कर दूं तो मेरा वो परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। तो आप स्टेटमेंट में देखें, स्टेटमेंट में क्या थी कि किस वैल्यू के लिए आप जनाब इसमें कौन सी वैल्यू मिसिंग है, उसने ये नहीं बताया एक्स की वैल्यू ये एक्स की ए की क्या वैल्यू पुट करें, उसने बताया आप क्या वैल्यू पुट करें कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बने, तो मैंने वो बताया कि आप अगर मैं +-1/8 पुट कर दूंगा, +-1/8 पुट कर दूंगा तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। हाँ जी सबको ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ बताएं जी चैट में, चैट में जरा मुझे बताएं। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, चैट में बताएं फिर हम आगे चलें।
जी चैट में बताएं फिर हम आगे चलें। शेख साहब के अलावा बाकी सबको क्लियर हुआ है? ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हो गया जी, सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है खास, कोई मुश्किल चीज। आगे आया जी। जी सिंपल, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वही बात है, कोई उचित नहीं। 62 क्वेश्चन पे आ जाए, सारे लोग 62 क्वेश्चन पे आ गए हैं, 62 क्वेश्चन पे आ गए सारे। देखें जी, एवरेज हाइट ऑफ 5 पीपल इज 68 इंचेस। अगर 5 पीपल्स हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो 68 इंचेस है, इफ 170, अगर एक 70 इंचेस का है एंड अदर 3 आर 76 इंचेस, व्हाट इज हाइट ऑफ द फिफ्थ वन। ठीक है जी, तो क्या बताया आपको, बताया कि 5 पीपल की जो हाइट की जो एवरेज है ना वो 68 है। ठीक है, पहला 70 का है, अगले 3 76 के हैं, तो पांचवा क्या होगा? ठीक हो गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे जी, देखिए आपको बताया कि आपको क्या बताया, एवरेज कितने की है, एवरेज आपको बताई जनाब है 68 की, 68 की एवरेज है और 5 की है, 5 लोग 5 बच्चों की हाइट है, और आपको क्या क्या हाइट्स बताई हैं, आपको हाइट्स बताई हैं एक बच्चे की 70 है और बाकी 3 की 76 है। तो पहले की अगर फॉर एग्जाम्पल 70 है, दूसरे की 76 है, तीसरे की 76 है, चौथे की 76 है, पांचवें की क्या होगी? तो पांचवें को आप कर दें एक्स कर दें, और इसको किस पे डिवाइड करें, 5 पे डिवाइड करें, इस तरीके से कि उनकी एवरेज कितनी बने, 68 बने, एवरेज उनकी 65 बनेगी। जब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे, एक अननोन आपको नहीं पता क्योंकि ये आपको इसके एवरेज का पता है, तो आप ये अननोन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस 5 को यहाँ के जाके मल्टीप्लाई कर लें, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 8 5 40, 0 4 गया असल, 6 5 30, 30 और 34, 340, 340 हो गया। यहाँ पे एक्स एक्स पड़ा है, इन सारों को इस साइड पे ले आए, 340 माइनस, अब संसारों को जमा कर दें, 6 6 12, 12 6 18, 18 का 8 1 गया असल, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 4 28, 28 और 28 और 1 29, 340 में से 200 उठाने को माइनस कर दिया तो क्या आंसर आता है, 40 और 42 नहीं आता, उसकी जो हाइट होगी वो 42 इंचेस होगी, इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है। हाँ जी, बात समझ में आई है या नहीं समझ में आई, चैट में बताएं मुझे, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ, हम अपने प्रैक्टिस में भी किया है कि एक जब मिसिंग हो आपको एवरेज का पता हो तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आज हमने क्योंकि काफी सवाल करने हैं, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ी पेस ज्यादा है, क्योंकि ये चीजें आपने की हुई हैं, कोई ऐसी इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आ जाए जी, हम आ गए 77 क्वेश्चन पे। द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 इन 3 ईयर्स एंड 854 इन 4 ईयर्स, द सम इज, कहा है कि एक किसी भी नंबर पे एक अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, और 3 साल के बाद अमाउंट 815 हो जाती है, और 4 साल के बाद 854 हो जाती है, तो बताएं कि जो पहला सम है वो कितना था। ठीक हो गया, ये आपसे पूछा है। अभी आप ये देखेंगे, 3 साल के बाद है 815 और 4 साल के बाद है 854, तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों में कितना चेंज आया है, इन दोनों में कितना चेंज आया है, तो वो चेंज जितना उसमें चेंज आया है आप उसका परसेंट निकाल लेंगे, और वही परसेंट के हिसाब से वो बढ़ी है, और आप उसमें से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे इसे देखें जरा, 815 और 854, आपको उसने ये कहा है कि एक अमाउंट थी यहाँ पे, आपको नहीं पता कितनी थी, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल, 3 साल के बाद वो हो गई है 815, और चौथे साल के बाद वो हो गई है 800, क्या था, 815 और 54, 854 होगी। और उसने बताया आपको सिंपल इंटरेस्ट पे है, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इनिशियल अमाउंट होती है ना उस पे जो खास इंटरेस्ट लगता है, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 600 था, फॉर एग्जाम्पल इस पे 6% इंटरेस्ट था, तो 600 का 6% क्या होता है, 36 होता है, तो इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा, पहले साल में 600, 600 और 36 ऐड होगा, फिर 600, 36 और फिर 36 ऐड होगा, फिर 36, 36, 36 ऐड होगा, ऐसे नहीं होगा कि 636 का फिर 6% लेंगे, वो कंपाउंड होता है, सिंपल में इनिशियल पे लगता होता है। तो इसका मतलब ये है, अगर 3 साल का और मुझे 4 साल का पता है ना, तो मैं वो इंटरेस्ट की परसेंटेज निकाल लूंगा और उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा। देखें जी, क्या परसेंटेज कैसे निकालूंगा, 815 से 854 हुए, तो चेंज कितनी आई है, तो 854 में से आप 815 को माइनस करें,
माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 14 माइनस 5 गया, कितना होता है? 9 बचेगा, 4 में से गया 3 बचेगा, 39 का चेंज हुआ। अब 39 का हुआ है चेंज एक साल में, अगर एक साल में 39 का चेंज हुआ है, पिछले में भी तो यही चेंज होगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का तो फार्मूला ही यही है। यहाँ भी 39 का चेंज हुआ होगा, यहाँ भी 39 का चेंज हुआ होगा, यहाँ भी 39 का चेंज हुआ होगा, यानी इजाफा हुआ होगा। आप इसमें से निकालते जाएं, यानी कि आप इसको 854 जहां तक जो आप पहुंचे हैं, आप इसमें 139 ये वाला, 139 ये वाला, 139 ये, यानी 4 39, तो 39 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसको 854 से निकाल लें, तो वो आपकी जनाब ओरिजिनल अमाउंट होगी। करें जी, 9 4 36 6 3 11 4 3 12 12 12 और 3 कितना होता है? 15। दोबारा करें, 9 4 36 6 3 11 4 3 12 12 और 3 15, 156। 156 का इजाफा हुआ है। तो जब आप 854 में से 156 को निकाल लें, 14 में से 6 गया, 8 बचा, यहाँ 4 4 में से 5 14, 14 में से 5 गया, 9 बचा, 7 बचा, 7 में से 1 गया, 6 बचा, तो 698 होगा जनाब। यहाँ पे 698 अमाउंट होगी, इसमें पहली दफा जनाब इजाफा हुआ होगा 39 का, यहाँ पहुंचे होंगे पहले साल में, फिर 39 का इजाफा होगा, यहाँ पहुंचे होंगे, ये पहला यहाँ पे पहुंचे होंगे, फिर दूसरा यहाँ पे पहुंचे होंगे, फिर तीसरा यहाँ पे पहुंचे होंगे, फिर चौथा। आप इसको करके देख लें, 98 जमा 39 करें क्या आता है, फिर दोबारा 39 करें, फिर 3 दफा 39 करेंगे तो 815 बनेगा, चौथी दफा करेंगे तो 854 बनेगा। हाँ जी, क्वेश्चन ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिंपल इंटरेस्ट का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बताएं जी, मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला, फिर मैं दूसरा लिंक जनरेट करूंगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं, सिर्फ ये बता दें, जितने भी अभी तक सवाल किए, ये आपने सारे टॉपिक्स किए हुए हैं या नहीं? कौन सा टॉपिक है जो आपने नहीं किया हुआ, बताएं जी। हालांकि समझा जाता है कि 2023 की जो मैथ है ना, कुछ लोग कहते हैं और कहते हैं बड़ी मुश्किल हो गई है, और बड़ा वो मुश्किल हो गई है, और पहले बड़ी आसान थी, तो मुश्किल हो गई, फिर भी आप देखें, आपने तो सारे किए हुए टॉपिक्स। बस हाँ, इसमें क्वेश्चंस को समझना है, उसके साथ कैसे आपने उसको घेरा कैसे डालना है, उसके लिए प्रैक्टिस करें, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ठीक है? आमतौर में बता रहा हूँ ना जी, समझा जा रहा है, शेख साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे कि जो मैथ है वो चेंज हो गई है और मुश्किल हो गई है। अगर मुश्किल हो गई है उसको आप कर रहे हैं, तो पिछले तो आपके लिए वो बच्चों वाली है। शेख साहब क्या कहते हैं आप, ऐसे ही है ना? हाँ जी, जी ऐसे ही है सर, ऐसे ही ठीक हो है। गया, अभी ठीक हो गया, इसमें तो ठीक जो है। ये है मैं ना लिंक मोर, इसको मीटिंग को टर्मिनेट करता हूँ, दूसरी मीटिंग में तो लिंक आपको भेजता हूँ, आपने हाजिर होना है और फौरन से आना है, ठीक है? उसको स्टार्ट करते हैं, बाकी जितने भी सवाल होते हैं हम इंशाल्लाह करते हैं। थैंक यू सो मच।